Where the party at? Holla at your boy. Got you all in check, just holla at your boy. Why you got a crush when you can holla at your boy? If you're low, grab your phone and just holla at your boy. Hi friends, मैं नवनीत हुड्डा, आपका सिगार अफ्रीकांडो एंड लिकर कॉन्सियर. फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन सिगार लाइफस्टाइल पर. एज यू नो फ्रेंड्स, इंडियन सिगार लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट सिगार स्मोकिंग, सिगार पेयरिंग एंड डिफरेंट लाइफस्टाइल पीपल दे आर इन्वॉल्व इन सिगार स्मोकिंग एंड ऑल्सो वो लोग जो सिगार स्मोकिंग वीडियोज़ के थ्रू काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानना पसंद करते हैं और वो लोग जो सिगार स्मोकिंग वीडियोज़ के थ्रू सिगार लर्निंग करते हैं, उन सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, ऑल दोज माई सब्सक्राइबर्स जो कि मेरी वीडियोज़ को कॉन्स्टेंटली देखते हैं और लाइक्स मुझे मिलते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर. एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज सपोर्टिंग चैनल. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, एवरी वीडियो इज समथिंग न्यू, न्यू सिगार विद न्यू कंपनी विद न्यू पेयरिंग, दैट्स हाउ आई डू. सो आपको क्या लगता है कि आज भी कुछ एक्साइटेड होना चाहिए? सो फॉर दैट एक्साइटमेंट फ्रेंड्स, आई एम इंट्रोड्यूसिंग टुडे अ पर्सन हु इज वन ऑफ दोज पायनियर्स ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री, अ रैपर, अ डीजे, अ म्यूजिक क्रिएटर, जो कि पिछले 2 decades से दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस रहे हैं. उन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स किए हैं और बहुत सारे लोगों को अपनी म्यूजिक की बीट्स पे डांस कराया है. मैं जिनको जानता हूँ पिछले 2 decades से, ही इज विद मी टुडे. यस फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू डीजे कर्मा. हाय, हाउ आर यू? I'm good. आदेश, I'm gonna call you आदेश, also known by DJ कर्मा. So real name, not many people actually DJ कामा. आपको ज़्यादातर लोग DJ कामा के नाम से जानते हैं, आदेश के नाम से बहुत कम. few friends only हैं. बहुत कम लोग मुझे आदेश के नाम से जानते हैं. Old school friends, family, mom, dad. Of course. They are the one who give it to you that name, आदेश. Yeah, so okay. They don't call me Karma. Okay. Anyway, once more time, man. It's nice to having you. Thanks for having me. बहुत अच्छा लगा आपके शो में इनवाइट किया आपने मुझे. Pleasure is mine, DJ Karma. So tell everybody about a bit of yourself. The people actually जिनको नहीं पता है आपके बारे में. So दुबई में. Okay, okay. I was born and raised there. Uh-huh. फिर मैं इंडिया आया around when I was 17, 16 mm-hmm. or 17, अपना 11th and 12th करने के लिए. Mm-hmm. बीच-बीच में आता था मैं अपने holidays के लिए. Then I went back to Dubai. Phir at the age of 23 I came to India. Mm-hmm. Phir main college ke liye aaya tha lekin DJ karne lag gaya kyunki yeah, there was us samay jab main clubs mein jata tha to Bollywood aur house music jata bas tha. Okay. So I was like, thoda I knew there were hip hop listeners. Uh-huh. So main socha ki let's you know gather the people, throw a few jams. मतलब कोई पार्टीज करे जहाँ पे हिप हॉप म्यूजिक यू नो को इज द थीम एंड फोकस. या क्रिएट समथिंग न्यू. आ सो एंड देन आई सॉ दैट एंड देन बिकॉज़ ऑफ दैट आई स्टेड बैक लॉन्गर एंड फाइनली आई स्टेड इन इंडिया मच लॉन्गर देन आई हैड प्लान्ड. एंड यू नो दैट्स व्हाट दे से, जैसे बोला जाता है कि फ्रेंड्स जो बड़ी चीजें होती है ना बहुत सारी सरप्राइज लेकर आती हैं और उनके कुछ भी बड़ा करने से पहले आप बहुत बड़ा प्लान नहीं करते हैं. सम सर्टेन थिंग्स हैपन, ये जस्ट जंप इनटू इट एंड इंसिडेंट हैपन, एक्सीडेंट हैपन टू यू इन योर लाइफ एंड देन यू बिकम सर्टेन बिग पिक्चर और व्हाटएवर यू बिकम टू द सक्सेस स्टोरी, यू नो. वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की बहुत नॉर्मल तरीके से शुरुआत होती है. Exactly. I think so. And I think so, back in a time, जहां तक मुझे याद है कि DJ Karma was the first time you introduced to the music industry. So that was my name. वो मेरा नाम. I was since 2000. वैसे तो दुबई से since 2000 I was DJing वहाँ पे. तो I was DJing under DJ Karma. Okay. The name. अभी recently. In the last few years,
a lot of DJs have adopted that same name. I saw that actually. Yeah. And I think so, because of that, I think you, in your logo, you have a X in it. So, what I did was, you want to change it a little bit. I changed my artist name from DJ Karma to now it's just Karma and it's spelled KXRMA. Okay, okay. So there's no confusion. Now, so no one else can now take that. And I couldn't really change my name completely to something else because everyone knows me as Karma. Actually, aisa hota hai ki to build a name, it takes a lot of efforts, you know. Yeah, and you can't just change it, huh? Yeah, I couldn't just throw it away. Yeah, of course, of course. I did change the spelling and you was one of those, you know, the primary artist who unhone Indian industry, music industry ke andar special. The nightlife के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएटिविटी के साथ इस तरीके से पैचअप करके मिक्सअप करके एंड दे चेंज द रिदम ऑफ द म्यूजिक एक्चुअली एंड द पीपल मच मोर इन टू द न्यू काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मुला यू एडेड ऑन. I'm glad you feel like that. Yeah, yeah. Actually, I'm quite myself fan of your music, actually, you know. Thanks. So, why don't we grab a cigar? Sure, man. And we go outside and have some cigar and we talk about this more. Chalo, let's do it. Okay, bro. That's it, man. Chalo, let's go. Let's go. Kama, I think abhi kuch compose bhi kar rahe ho naya music, right? I'm working on some new stuff. Aur purane gaane abhi remix karke, apna purana gaana remix karke release kar raha hu soon. Aur kuch naya stuff bhi kar raha hu. Okay, okay. Oh, that's good. That's interesting. And I think aapne kuch hip-hop ka bhi kuch kiya tha. I think jo hip-hop ko Indian nightlife music mein connect karne wale shayad aap pehle hi bande the. I think jo pehle DJ. Yeah, definitely among the first. I wouldn't take all the credit. Kyunki bahut log involved hai koi aise movement mein. Yeah, of course. Yeah, definitely a lot of people. No, तो मेरा involvement ऐसा था कि starting में जब कर ये gig में gigs कर रहा था यहाँ पे, तो there wasn't much hip hop music being played. Okay, okay. Bollywood and house. Okay. तो मैं सोचा थोड़ा, you know. Hip hop. So technically the term is right कि आप first time beginning stage में आपने hip hop को introduce किया night life music में and other definitely mixology. And you know, लोगों को, you know, this is back in 2003, there was no YouTube, two decades, no, like 20 years, so almost. It was more like a like schooling people on you know, the hip hop, the college guys, youngsters, and so, all that, you know, they were interested, so I would bring new music and you know how it goes, for rap kar liya while performing, to log ये क्या हो रहा है करके, you know, yeah, it's something new coming. हाँ, that's right. Yeah. Let's toast for one of those good old days, huh? Cheers, brother. God bless music. God bless DJ Karma. God bless you, man. Cheers, man. Thank you. So, कब से पी रहे हो आप सिगार? Actually, Karma, not that long. जब से आप DJ कर रहे हो. Not 20 years, but I can say around about 12-15 years. I think 2005 se I've been smoking cigar, as far I remember. Or actually, you found your interest in music. Yeah. So, mera interest I found in tobacco. So this is how as a cigar has become part of my life. So halke halke wo slowly it become more like everyday lifestyle. When it becomes the lifestyle, तो मैंने फिर सोचा why don't I share my experience with everybody, you know? Yeah, that's so good. That's why I just become on a stage and bringing people live on a camera like you into cigar. तो मैंने आपको introduce किया कि आप भी आके पियो and all that. I don't meet many cigar smokers वैसे. Actually, so, yes, this is something Indian industry के अंदर, Indian cigar smoking industry कहो या फिर मैं कहूँ Indian cigar lovers. Cigars introduced in India में around about 24 years, 25 something like back in time. Okay. But actually क्या हुआ कि जो cigar smoking platform है ना, it was always being up high class. Okay. So every individual person can smoke a cigar. It's not a big deal. कोई भी cigar smoking कर सकता है. No, बहुत ज़्यादा expensive नहीं होता. अगर आप अपने lifestyle में everyday आप एक cigar पीना चाहें, तो it can be done. It's not a very expensive thing, but क्योंकि किसी को introduce नहीं हुआ market में उस तरीके से, उस level पे, तो लोगों को awareness नहीं आई, और जब लोगों को awareness नहीं थी तो लोगों ने उस चीज़ को adopt नहीं किया. So my goal is कि let everybody know, I share my experience कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, and it's not a rocket science, you know. If you want it, you can have it. That's how it works. Right. So it works the same way in my book.
तो आज शेयर कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करूंगा, उनको बताऊं कि भाई क्या है, किस तरीके से, एंड एनीबॉडी कैन स्मोक अ सिगार एंड एनीबॉडी कैन बी अ सिगार एंथुसियास्ट जस्ट लाइक मी एंड यू, यू नो. सो लेट्स कट द सिगार एंड हम टोस्ट करते हैं एंड स्मोक करते हैं. ऑलराइट. So I actually quite like this big rapper. Look at that, you know, the band they have it. It's Elvis Presley, Black Market. Well, I'm wearing black today as well. You know, too much black happening in life. Black on black. Black on black. That's it, brother. Black on black. Because of, you know, even in the even the cutter got a bit of black happening. It was on my birthday. So the brand which I use, they ask me if you want, because most of the cigar websites where you buy cigars, na, so you have to be content, like you have to mention your date of birth. Okay. So maine jab wahan pe apni date of birth mention kari, so this brand customized my name on it. Oh yeah, I see. Yeah. That's it. See it? Yeah. So they ask me, what do you want to write? So maine kaha, I want to put my surname on it. So I type my surname and then the guy sent me an email. I say, I think you guys, you from India, right? I say, yeah, India. So Indians are a bit royal, Maharaja style. That's why. I say, why don't you tag royal on it? Yeah, so that's why they make it royal Huda. You know, yeah. It's actually, you know, it's you can do custom things everywhere in these days. Nice. That's it, bro. Got it. You got it, huh? See, my cigar is a tiny, spicy note. What about yours? This is a Victor Sinclair and it's got this light aroma. Mm-hmm. You like the taste of it? Yeah, it's got this creamy aftertaste. Okay. Yeah, because so technically yours is the mildest one. And my is a medium body cigar. That's why the technical term to call it right way. I've got a lid. First when you toast it and you burn it, so when you smoke it, yeah, you just keep rolling. अपना उसको roll करते रहो, थोड़ा थोड़ा smoke करते हुए, तो it will equally burn. उससे वो equally burn होता है proper. अगर same stage, same proportion में आप smoke करोगे ना, तो वो it will burn on one side or sometime it gets slow other side. But slowly it will get there. You like it, eh? Mm, it's good. Good. Enjoy, brother. How you get into the DJ thing? I mean, I know majority of youngsters, everybody love music. Doesn't matter what music, yeah. What language, what background we come from, है ना? हम सभी लोगों को music पसंद है, चाहे east, west, north, south, you know. हर बंदा म्यूजिक पसंद करता है. बट हाउ यू एंड बैक इन टाइम, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, नॉट मैनी क्लब्स. Or you have to be very, very talented person to be a DJ. Yeah. It was, I think so, it was must be challenging, huh? Opportunities, what comes to them. Okay. So, let's start from the beginning. Mm-hmm. So, this is back in my teen years, jab main around 14 or 15 tha. So, you know, house parties, events, sometimes main club mein sneak kar leta tha. Okay. You know? This was back in Dubai when the teenagers, the 18-year-olds, of course. To have their mucking around, doing these experiments and this and that. Yeah, so not that I wasn't drinking. Mm-hmm. I would get to the club, but you know, Pepsi Pilia, and then there's nothing else to do. But I noticed the guy in charge of the music. Yeah. You know, he's like flipping these records around. Itne those big ones. Yeah, back and in then time. You know, he's in charge of the, he's like the captain of the ship. Yeah, you know, and I'm mesmerized. I'm like, wow. Then he's playing all these good tunes, man. Matlab ke jo gaane tumhe acha lag raha hai, and this guy's dropping it, and then you know, and introducing you to new songs. You're mesmerized. Yes. So I mean, I'm sure not everyone, but. एग्जैक्टली एक्चुअली फ्रेंड्स ऐसा होता है अक्सर कि हम कोई चीज देखते हैं एंड हम उस चीज की तरफ एग्जैक्टली मैग्नेट की तरह खींचे चले जाते हैं. कुछ ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में,
हर किसी के लिए अलग अलग होता है वो, किसी को फैशन में इंटरेस्ट होता है, किसी को म्यूजिक में होता है, किसी को अदर लाइफ स्टाइल एक्टिविटीज में होता है, किसी को कार्स में होता है, यू नो. सो यू फाउंड योर इंटरेस्ट इन टू द सर्टन म्यूजिक एंड एवरी थिंग वॉज हैपनिंग एंड विच आपको थोड़ा एनकरेजमेंट एंड थोड़ा सा अट्रैक्ट किया, दैट्स राइट. तो उस समय तो आई वॉज जस्ट लाइक फैसिनेटेड, हमने सोचा यार दिस बी रियली कूल मैन टू बी दैट पर्सन, मतलब आई वांटेड बी दैट गाय, कि मुझे वो बंदा बनना है, ये असर जो मेरे ऊपर कर रहा है, मेरे ऊपर हो रहा है, मुझे वो असर, मैं वो असर कर, यू नो, चाहता हूँ लोगों के ऊपर. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, दैट्स इट. तो एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, but then a few years later I started researching a little bit, but the equipment was very expensive back then, you know, you to DJ. There weren't any teachers. This is back, I'm talking about late 90s. But you know what, basically a friend, you know, he's a DJ, and if he takes you under your wing and then teaches you, you know, the ropes, then he's creating competition. Yeah, but you know, there were people that were teaching like that. अपने दोस्तों को, खास दोस्तों को. So I did have a few friends who showed me, but then this required a lot more knowledge than people are just willing to give up. Then when I was 17 or 8, and 17, I came down to India. अपना 11th and 12th okay. studies करने के लिए. I finished that. Then when I was 18, in Delhi there was this DJ Sunny Singh. Okay. This guy is one of the first DJs of Delhi nightlife of India, I guess. You know, okay. These guys were there. So I studied under him. And then I went back to Dubai. Okay. But then I didn't get a show or gig, anything for two years. 2 years. Yeah, I mean, it was so hard. Plus, I wasn't 21. काफी लंबा टाइम रहा आपका स्ट्रगल का, हाँ, उस टाइम पे. Yeah, because you know, एक लॉबी था कि you couldn't enter a club unless you're 21. 21, yes. As soon as I turned 21, you that's know, it. 21, I just started hanging out at all the spots, trying to find an opening. Finally, I got a gig in at this place called Harry's Place. In fact, they had a cigar lounge over there. That's where I smoked my first cigar. Yeah. See, yeah. The music and cigar always was connected, huh? Yeah. That's it, man. I should remember there was this. Don Thomas Corona, that was my first cigar. Okay. Yeah. And then I started smoking a little bit, you know, when we were playing poker with our friends. Yeah. Okay, getting back to DJing, I'm sorry, I started talking about cigars. Yeah. You actually, this has happened. You know, it's hard to choose if the music is more beautiful or the cigars are. Karma, आप मुझे बताओ, first, which was the first club where you got officially first chance to play? आपने पहली बार play कहाँ? Dubai, in Delhi. मतलब first life का first play कहाँ? Oh, that was in Dubai. वहाँ पे. Dubai में मिला आपको? Yeah. Okay, you got Harry's the first place. Break in Dubai. Yeah, at Harry's Place. Harry's Place. Yeah. Okay, wow. This that's is in nice. This was in the Renaissance Hotel. Okay. तो Karma, आप जब इंडिया आ गए, इंडिया आने के बाद फर्स्ट क्लब आपने कहाँ से ज्वाइन किया और कहाँ प्ले करते थे आप? तो पहले जब मैं इंडिया आया था ना, मैं सब जगह घूमता था. एंड अगेन, इंडिया में इतने वेन्यूज नहीं थे. देयर वाज लाइक बिग फाइव स्टार होटल क्लब्स एंड देन दीज दे यूज्ड टू कॉल इट रेस्टो बार्स. आई डोंट नो इफ दे स्टिल कॉल इट दैट. अब रेस्टो बार्स अब नहीं बोलते, अभी बोलते हैं ना, चेंज द रिदम. या एंड सो द फर्स्ट वन I played at was Oxygen. I remember actually, Karma, back in my college days, जब मैं कॉलेज में था और मैं पार्टी वार्टी करता था उन दिनों में, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ऑक्सीजन के अंदर. ऑक्सीजन आई थिंक फर्स्ट टाइम एंड देन आई केम टू यू एंड आस्क यू सम म्यूजिक टू प्ले एंड देन उसके बाद में आपने मेरा म्यूजिक प्ले किया एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. कि देखिए, क्लब्स में ऐसा होता है कि वेन यू आपके फ्यू ड्रिंक्स आप डीजे के पास जाते हैं एंड यू रिक्वेस्ट फॉर द सॉन्ग एंड अगर डीजे प्ले करता है तो सर्टेनली द डीजे बिकम वन ऑफ योर गुड फ्रेंड लाइक ही इज माइंड टिल टुडे एंड आई थिंक सो दैट्स दैट वाज एक्चुअली दैट वाज अ टाइम आई थिंक आपने हिप हॉप को भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व किया था नाइट लाइफ में. या बिकॉज उस समय हिप हॉप एंड हिप हॉप इतना प्ले नहीं हो रहा था क्लब. दिस इज बैक इन 2003. यस, सब जगह देयर वाज ओनली बॉलीवुड म्यूजिक या हाउस म्यूजिक, यू नो. तो मैंने देखा कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल सुनते हैं हिप हॉप. ओके. एंड तो मैंने बस इकट्ठा कर लिया लोगों को, यू नो. यस, एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग एट दिस ऑक्सीजन वाज द फर्स्ट प्लेस इन या दैट आई प्लेड. सो हाउ इज योर सिगार गोइंग कामा?
Oh, it's a nice blend of Dominican tobacco. Yeah, actually, it is actually. Yeah, very nice. I hope actually you're liking it. And while you said, so I'm happy for it. Actually, it's really good, man. See, जो मैं सिगार पी रहा हूँ, एल्स ब्रैडली, दिस सिगार इंट्रोड्यूस इन 2011, एंड एक्चुअली द गाय हु बिहाइंड दिस सिगार ब्रांड इज एलन रूबिन. They start cigar manufacturing in round about mid-90s, around about 95, 97, something like that. Especially this stick, the black market stick, is a combination of four different country origin tobaccos. Okay. Char alag alag desho ke tobacco se mila ke banaya gaya. And this particular stick was saved in my collection for last 6 years, and after launching in 2011. So technically it's a 9-year-old cigar I'm smoking, and the blend and the cigar burn is perfect. Jo ki I'm enjoying it actually. And all those four countries are Panamian, Sinatran, and Nicaragua, and Honduras. They make the best tobacco actually. They grow best tobacco, world's finest tobacco over there. And I'm gonna just say, keep making these good cigars, and we're gonna keep smoking these good cigars. Yeah, smoke that bad boy. कुछ मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा एक्चुअली. जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, एंड यंगस्टर्स में बहुत सारे म्यूजिक लवर्स हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे म्यूजिक लवर्स? देयर इज अ फ्यूचर, देन हाउ दे शुड स्टार्ट दिस एज अ करियर? अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी शुड लुक एट, तुम्हें करना चाह, वो चाह तो नहीं, मोर ऑफ अ पैशन. More of a passion. Yeah, jazba. Yeah, of course. Music is something, it start from passion. Because it's, for me, what it is, it's more about the satisfaction jo mujhe apne kaam se milta hai. And if youngsters want to start, I think they should just jump in. Okay? There's, right now, there is no, koi kami nahi hai of material to, you know, learn. Online jaake seekh sakte hain. There's a lot of stuff on, you know, to get information. I think, Karma, aap bhi kuch DJ क्लासेस वगैरह देते हैं आप? ओह यार, मेनी डीजेस डू दैट. ओके ओके. एंड सो एनी ऑफ यू फ्रेंड्स, अगर आपको किसी को डीजे करना है, या आपके किसी फ्रेंड्स को डीजे करना है, या कजन को डीजे करना है, एनीबॉडी हु इज पैशनेटेड अबाउट लर्निंग म्यूजिक, लर्निंग बीइंग अ डीजे, आई विल ऐड सम कॉन्टैक्ट. कर्मा की मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने वीडियो में टैग कर दूंगा ऑन द बिलो. आप लोग वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं इनको, एंड क्वेश्चंस आंसर्स यू कैन आस्क अबाउट थिंग्स, यू नो. एंड ऑलवेज वेलकम एनीवन, इफ यू वांट आस्क क्वेश्चंस, कुछ पूछना है, कुछ पूछताछ करना है, गो अहेड मैन, हिट मी अप. कम ऑन, वन मोर थिंग आई वांट आस्क, लाइक इज इट वेरी एक्सपेंसिव टू बिकम अ डीजे? इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग, वो सब चीज? इक्विपमेंट डज कॉस्ट, बट देन द थिंग इज, अगर आप समझ लो, आप सीखना चाहते हो, द बेस्ट थिंग टू डू इज फर्स्ट ऑब्वियसली, you know, research thoda online for that basic ki kya hai, hota hai, what it's all about, and then find a DJ you like, and then, you know, unke under kaam karo, learn from them, and then they'll help you further your career as well. Mm-hmm. That's the best way to actually move ahead. Find someone who's working. Online learning yeah, but being learning hands on, man. Yeah, being having a teacher above you. Yeah. You need that. Teach you a lot of glitches, lot of errors, lot of mistakes. I mean, you can observe from online, but who will be the person who's teaching you about your mistakes? Yeah. So that would, it's good to work with some superior people, you know, someone who is more professional in the line. It's definitely a plus. Actually, yeah. This is actually true. When hundreds of people facing you and you playing, it's a lot of pressure. It's different. A lot of pressure on the job, it's you totally know. It's different. Yeah. It's totally different. You do, there is no room for error. देखिए वहाँ पे ना गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है. जब आप प्ले कर रहे हैं और सब लोग, यू नो, एवरीबडी इज हाई, दे एंजॉयिंग इट, दे एंजॉयिंग द मोमेंट, दे एंजॉयिंग द अल्कोहल एंड एवरीथिंग, यू नो, सेलिब्रेशन, हूएवर दे कमिंग इन फॉर, एंड उस मोमेंट पर देर इज नो रूम फॉर एरर. आई कैन गारंटी दैट. You don't want to piss off your good clients, you know. And it's good actually. ये अच्छा है. देखिए आप, मैं ये मानता हूँ कि आप जो भी काम करें ना, आप उसमें अपना 100% डेडिकेशन दें. इट्स ऑलवेज, एंड इफ यू डू 100% डेडिकेशन, अगर आप किसी भी काम में देंगे, तो डेफिनेटली यू गोना बी सक्सीड, यू गोना बी अ चैंपियन, यू गोना बी अ ग्रेट डीजे, और एनीबडी यू वांट बी, आप जो भी चाहेंगे वो कर पाएंगे. एनीथिंग, पुट योर माइंड इनटू इट, पुट योर हार्ट इनटू इट, दैट्स इट.
we can touch the sky. Shit, hot gold like Goldilocks.